नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सोगरी की चटपटी सब्जी। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, पर सरसों के तेल में ये सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें, एक चम्मच जीरा डाल दें, एक चौथाई चम्मच आप इसके अंदर हींग डाल दें और साथ ही दो हरी मिर्च डाल दें बारीक कटी हुई। यहाँ पे आप मिर्च का पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। चार आलू लिए थे जिसे मैंने छील लिया और छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आलू को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और 2-3 मिनट तक हम आलूओं को तेल के अंदर इसी तरह भून लेंगे। एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। यहाँ पे आप प्याज का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने लहसुन का ही यूज किया है। सब्जी में बहुत ही सिंपल तरीके की सब्जी है, आप जरूर ट्राई करें। जब लहसुन और आलू अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो गैस का फ्लेम आपको एकदम लो कर देना है और आधी चम्मच डाल देनी है हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार डाल देना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नमक हल्दी को आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैंने 2 टमाटर लिए जिसे बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये सब्जी बन जाती है, आप जरूर ट्राई करें। पर ध्यान रहे, पूरी सब्जी हमें एकदम लो फ्लेम पर पकानी है, हाई फ्लेम पर नहीं पकानी है। एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच हम इसके अंदर जीरा पाउडर डाल देंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं, जो मसाला पसंद ना हो उसे हटा सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने आधा किलो सोगरी ली थी जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे। 2 चम्मच मैंने पानी डाला है, जिसमें मैंने लहसुन कूटा था ना फ्रेंड, उसी को धोकर मैंने 2 चम्मच छोटे वाले 2 चम्मच पानी डाला है। 5 मिनट तक हम एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे, क्योंकि हमने सब्जी के अंदर ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है। अगर आप थोड़ी रसेदार सब्जी बनाना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ छोटे 2 चम्मच पानी का यूज़ किया है। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट बाद सब्जी को वापिस से चेक करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखना है और इसके अंदर डाल देंगे हम आधी चम्मच चाट मसाला। आप यहाँ पे आधी चम्मच अमचूर पाउडर या आधा नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। चाट मसाले को मिक्स कर देंगे। सब्जी अभी बनी नहीं है, ढककर वापस से 2 मिनट हम इसे और पका लेंगे। आप बीच बीच में सब्जी को चेक करते रहें ताकि सब्जी जो है वो तले पे ना चिपके। और वापिस से सब्जी को एक बार चेक करेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला और वापस से गरम मसाले को सब्जी के अंदर मिक्स कर देंगे और 1 मिनट हम सब्जी को और पका लेंगे ढककर, ताकि मसालों का फ्लेवर सब्जी के अंदर अच्छे से आ जाए। तो हमारी सब्जी जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को एक बाउल में परो